जवाब दिया, कहा कि बेटा तूने ये क्या कर दिया। कह बेटा तू बन गया हत्यारा और तेन मारो है पति, हट जा आगे ते कुल घाती और मेरी देख फटी जाए। बेटा तूने तो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, तूने तो मुझे विधवा बना दिया, लेकिन एक बात है बेटा, मैं तेरे पिता के बगैर इस संसार में एक पल जिंदा रह नहीं सकती। एक काम कर ले, क्या तेरे हाथों से मेरी चिता बना करके तैयार कर दे, जिससे कि मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। आज बबरा बहन ने जवाब दिया, कहा कि मां सुनिए, अगर मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार सकता हूं तो सुनिए, मेरी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अवश्य जिंदा करवा सकता हूं। आहा सरदारो, जब ये शब्द सुने तो रानी चित्रांगना ने कहा कि बेटा एक रास्ता तो मैं तेरे लिए बता देती हूं, तुझको पाताल लोक के अंदर जाना होगा। क्यों? कि वहां पर तेरे पिता तेरे नाना रहते हैं, जिनका नाम है राजा बासे। आज रानी चित्रांगना किस प्रकार से अपने बेटे बबरा बहन को समझा रही है और क्या जवाब दे रही है। तुम्हारो
ना तो खाली हाथन क्यों आयो तू पाताल लोक में। अरे पा
भुजन पे धर के वो पूछे बोलत नाए रोबे हिलकी सो रोय रोय कुमर कहे नाना ते रोय रोय कुमर कहे नाना ते और बैठ सभा नागन के और अरमान बताए रहे हो। आज राजा बासिक ने पूछा बेटा तू कौन है कहां से आया है। आह सरदारो बब्रा बहन ने जवाब दिया कहा आप ये जानना चाहते हैं ना मैं कौन हूं कहां से आया हूं और किस काम से आया हूं। तो सुनिए काम तो मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा लेकिन पहले सुनिए मेरा और आपका एक रिश्ता है एक नाता है वो सुनिए। आज बब्रा बहन ने रिश्ता बताया है कौन सा भैया। जय जय गई दया कही बासिक ने
सब नागन पे कारज करी ले जइयो। आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा मेरे दिल के अंदर एक शंका पैदा हो रही है, एक बहम पैदा हो रहा है, क्या तू उसका निवारण कर सकता है? बब्रिक ने कहा, बाबा बताइए बात क्या है? लेकिन चाचा जी, आज भगवान श्री कृष्ण ने उस नन्हे से बच्चे बब्रिक से और चाचा जी क्या पूछा है? सुनिए, बेटा मेरे दिल को भरम
को काल बताए दे। जब ये शब्द सुने तो उस बच्चे ने क्या काम किया, बाबरी कने धनुष पे बाण चढ़ायो है। छोड़ो तीनों लोकन में पाताल फोरन कसायो है। मनमोहन के तलबा में आए के फिर वो तीर समायो है। देख वीरता बाबरी की मनमोहन घबरायो है भाई। बेटा तू किसकी तरफ से युद्ध करेगा? जब ये शब्द सुने तो उस बच्चे के जवाब क्या थे चाचा? जब बाबरी कयो कहने लागो अपनो धर्म निभाऊंगो। बाबरी कयो कहने लागो अपनो फर्ज निभाऊंगो। घर को हो चाहे बाहर को मैं सबको मार गिराऊंगो। जिनकी हार हो हिरण में बैकी चीता, जिनकी हार हो हिरण में बैकी विजय कराऊंगो। झंडा गाड़ विजय कोहरण में जबई बाप सजाऊंगो भाई। सामने मेरा बापी आ जाएगा ना तो मैं उसे यहां से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। विजय तो मेरी होनी है। जब ये शब्द सुने तो भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं कैसे कार्य के लिए मैंने जो मेहनत की थी, जो तपस्या की थी, उस पर सारी पर पानी फिरने वाला है। आहा सरदारो, आज भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे के ऊपर अपनी माया का जाल फैला दिया। कहा कि बेटा तू इतना बड़ा वीर है, लड़ने वाला है, क्षत्रिय है, तो तू मुझे एक बात और बता दे कि तू दानी कैसा है। जब दानी का नाम सुना तो उस बच्चे के जवाब क्या थे चाचा? कहे में असली दानी चीचा जब अजमाली जो। अब मांगे तो अवध दौ नहीं पीछे पर चाली जो। श्याम कहे यो बाबरी कसे पीछे मती थुकाली जो। बच्चे ने कहा के बाबा आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैं दानी कैसा हूं, तो सुनिए। अगर कोई भी इंसान अगर दान के अंदर मेरा ये शरीर भी मांगेगा ना तो मैं उसके लिए अपना शरीर भी दान में दे सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसे मानने वाला नहीं, मुझे तो तू वचन दे दे। वचन वाली बात सामने आई तो यहां पर उस नन्हे से बच्चे ने एक बात कही, बाबा साहब कह टल जाए सूरज सच पावक भी, ये टल जाए सूरज सच पावक भी, ये पशुधा सारी टल सकती है।
निकली आवाज नहीं डल। बाबा मैं अपने बच्चों से मुकरूंगा नहीं, मुझसे जो भी कुछ मांगना है मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे से दान के अंदर चाचा क्या मांगा, श्याम कहे यो पपरी कसे पीछे मती थुका लीजो, जो तू असली दानी है बेटा काट के शीश गा दीजो, बेटा काट के शीश सुने। उस मासूम बच्चे ने एकदम से आंखों में आंसू आ गए, रो गया, कहा कि अरे बाबा आज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है अवश्य पूरा करूंगा। अंतिम कड़ी के अंदर वो छोटा सा बच्चा रो रो करके एक बात कह रहा चाचा का, कहे मोहन से पर मांगो अच्छो खास होए, मन की मन में रह गई स्वामी युद्ध को रह गयो, अरे शीश टांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखूं तमाशो है, काट के शीश दियो मोहन को पूरो भयो बवा।